कितना बार लपेटना चाहिए, कितने दिनों तक कलावा को पहनना चाहिए? हरिओम नमस्कार। कलावा अर्थात मौली, सूता या रक्षाबंधन, ये एक ऐसा सूत्र है जिसे प्रतिष्ठित करके और रक्षा हेतु, शरीर के दिग्बंधन हेतु बांधा जाता है। प्राचीन काल में कुछ कथाओं के अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधा था। तब से अनेकों प्रचलित कथाएं हैं जो पुराणों में बताई जाती हैं। कलावा के कुछ नियम होते हैं जिसे पालन करना भी बहुत आवश्यक है। कई जगह देखा जाता है कि व्यक्ति ने कलावा बांधा हो, कई वर्षों तक उसके हाथ में बंधा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक किसी पूजा कार्यक्रम से आप जो कलावा बांधते हैं, उसके कुछ दिनों बाद अगर कोई दूसरे पूजा कार्यक्रम में कलावा बांधने का अगर आपको अवसर मिलता है तो पुराने कलावे को हटा करके फिर नया कलावा बांधना चाहिए। एक कलावे के ऊपर ही दूसरा कलावा ऐसा नहीं बांधना चाहिए। दूसरा ये है कि एक कलावा मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 दिनों तक अपने हाथों में रख सकते हैं, जिसमें भी कुछ शास्त्रीय नियम हैं कि पुरुष एवं अविवाहित कन्याएं जो रजस्वला नहीं हुई हूँ, छोटी बच्चियाँ, ये लोग, इन्हें दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित महिलाएं या रजस्वला युक्त महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो बाएं हाथों में कलावा बांधवाएं। कलावा बांधते समय मुट्ठी का बंद होना आवश्यक है। जो कलावा बांध रहा है अथवा आप कहीं ब्राह्मण, किसी आचार्य, किसी ऐसे वेद विद्वान से कलावा बांध रहे हों, तो कलावा बांधने के बाद उन्हें कुछ आप दक्षिणा अवश्य देवें। एवं किसी यज्ञ याग आदि में आप कलावा बांध रहे हों, किसी पूजा पाठ में सामान्य तौर पर आप कलावा बांध रहे हों, तो हाथ में कुछ अक्षत लेकर के वो कलावा को बंधवाना चाहिए, बाद में वो अक्षत छोड़ देना चाहिए। तीन सूत्रों में कलावा को हाथ में लपेटना चाहिए। बहुत ज़्यादा सूत्र, बहुत मोटा कलावा पहन गए, बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है, ये कोई मतलब नहीं रखता। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षमाचल माचल। रक्षा करने के हेतु से कलावा बंधवाया जाता है, जिसके से आपका शरीर एक दिग्बंधन हो जाता है, आपका शरीर बंध जाता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो 21 दिन से ज़्यादा आप कलावा का उपयोग ना करें हाथों में। अगर उस बीच भी कोई अन्य पूजा पाठ, अन्य कार्यक्रम, किसी अवसर पर कलावा बांधने का मौका मिले तो पुराने कलावे को खोल करके उसे कहीं प्रवाहित कर दें। आप इधर उधर इतर तत्र फेंकना भी नहीं चाहिए कलावा। आप इधर उधर फेंक दिए, किसी व्यक्ति का पैर हाथ उस पर पड़ गया, तब भी दोष लगता है। कलावा अत्यंत पवित्र और शुद्ध चीज़ है, हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्मों में इसका बड़ा महत्व बतलाया गया। पूजा पाठ इत्यादि कर्म में, किसी अन्यत्र विवाह शादी यज्ञोपवीत मुंडन इत्यादि कर्म में भी कलावा बांधने की प्रक्रिया को बतलाया गया है। कलावा यानी रक्षा सूत्र इस वैदिक धर्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जिसे आप निभाएंगे, इसे सही ढंग से पालन करेंगे तो बहुत विशेष आपको उसका ये मिलेगा। हरिओम।